टॉपिक है लेयर्स। लेयर्स वैसे सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको यूज़ करके आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप शुरू से आखिर तक वीडियो तक बने रहिएगा। आगे चलने से पहले मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरी पिछली दो वीडियोज़ बहुत पसंद आई। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम है मोहम्मद तंजीम और आप देख रहे हैं डिज़ाइन नाउ। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले लेयर्स क्या होता है। तो लेयर्स आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे किताब होते हैं, ठीक है, बुक्स होते हैं, बुक्स का एक स्टैक होता है, पाइलअप होते हैं। अगर आपके पास कई सारी किताबें हैं और आप उसको एक के ऊपर एक पाइलअप करते जाते हैं, तो जो किताब सबसे ऊपर होती है, ऊपर वाले लेयर में होती है, वही किताब विजिबल होती है, बाकी किताब नहीं विजिबल होते हैं। हाँ, अगर आप मान लीजिए आपके पास किताबें हैं, बुक्स हैं, वो डिफरेंट साइजेस की हैं, मतलब एक छोटी है, एक बड़ी है, एक उससे बड़ी है या छोटी है, तो आप उसको जब स्टैक करते हो या पाइलअप करते हो और ऊपर से देखते हो, तो आपको सारी किताबें दिखती हैं लेकिन डिफरेंट साइजेस में दिखती हैं। किसी का कुछ पार्ट आगे निकलता है, कुछ पार्ट साइड से निकलता है, पर आपको विजिबल सारी होती हैं। उसी तरीके से हमारे इलस्ट्रेटर में भी लेयर्स वैसे ही काम करता है। मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पर समझा देता हूँ कि सपोज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेयर्स कहाँ पर हमको विजिबल होते हैं। तो लेयर्स हमारे, अगर आप यहाँ पर जाएंगे विंडोज़ में, तो विंडोज़ में आप यहाँ देखेंगे कि लेयर्स हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसका शॉर्टकट F7 है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक साइड में पैनल ओपन करके दे देगा। और ये यहाँ से भी आप, अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये आइकन्स वाला टूल खुला हुआ है पैनल, तो आप यहाँ पे ये वाला आइकन देखेंगे, ये वाला सिंबल, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लेयर्स का ही हमारा सिंबल है। और आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर साइड में पैनल में देख सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास लेयर वन ओपन रहता है, क्योंकि एटलीस्ट किसी भी आर्टबोर्ड या किसी भी ये पैनल में हमारा एक लेयर रहना ज़रूरी है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर लेयर वन करके दे देता है। अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ। सपोज़ मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगल बनाता हूँ, कुछ भी ऐसे रेंडमली कोई भी बना देता हूँ, ठीक है। और इन सभी का स्ट्रोक मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे पहले इसको कलर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको मान लीजिए कोई कलर दे देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे और ये आसानी रहे समझने में। और इसको मैं दे देता हूँ सपोज़ ब्राउन दे देता हूँ और इसको मैं ब्लू देता हूँ। ओके, सबका स्ट्रोक हटा देते हैं। स्ट्रोक थोड़ा ऐसे सही नहीं लगता है, स्ट्रोक हटाने पे आपको थोड़ा क्लियर और अच्छा विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास तीन ये मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हैं। अभी हम देख लेते हैं ये लेयर वाइज कैसे शो करेंगे हमारे लेयर पैनल में। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, आप यह देखेंगे कि लेयर वन जो पहले एम्प्टी था, अब इसके अंदर तीन रेक्टेंगल्स आ चुके हैं। अब इनको समझते हैं कैसे इनका ऑर्डर है, किस तरीके से आए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये रेड वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, तो आप देखेंगे कि रेड वाला रेक्टेंगल सबसे नीचे है, उसके ऊपर मैंने ब्राउन ड्रॉ किया तो ब्राउन उसके ऊपर आ गया। तो आप ये देखेंगे कि ये ब्राउन वाला रेक्टेंगल हमारे रेड वाले रेक्टेंगल के ऊपर आ गया है। इसी और यहाँ से भी आपको विजिबल हो सकता है, क्योंकि हमारा ये देखिए ये पार्ट जो है रेड के ऊपर है, इसका मतलब रेड छुपा हुआ है, रेड नीचे है। इसी तरीके से सिमिलरली ब्लू हमारा सबसे ऊपर है। अच्छा, अभी क्या है कि ये ऑर्डर जो भी ऑब्जेक्ट्स का है वो हमारा यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर ऑर्डर में दे देता है। तो लेयर का सबसे मेन काम यही होता है कि हमारे लेयर्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है उसको प्रॉपर ऑर्डर में प्रॉपर अरेंज करके हमें दे देता है, जो कि हमें आसानी होती है। और आगे जब आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाएंगे तो ये पैनल आपका जब फिल होने लगेगा तो ये हमें अरेंज और प्रॉपर ऑर्डर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम लेयर्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसमें अरेंजमेंट जब आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, अभी ये क्या है कि हमने पहले देखा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर ये जो रेक्टेंगल है हमारा, जैसे ऐसे सबसे पीछे है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, सबसे फ्रंट में लाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करूँगा, अरेंज करूँगा और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा, ठीक है। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आ गया है। और यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेयर्स वाले पैनल में, तो आप देखेंगे रेक्टेंगल जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया है इन तीनों रेक्टेंगल में। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी शेप में जो कि लेयर में है वो आप उस पर क्लिक करते हैं, सपोज़ मैंने क्लिक किया ब्राउन को,
तो आप यहाँ देखेंगे कि ब्राउन पे आपको ये एक सर्कल जो है वो सर्कल डबल सर्कल आ गया है, प्लस उसके साथ एक ब्लू रेक्टेंगल भी छोटा सा आ गया है। तो वो ये बताता है कि करेंटली आपने जो क्लिक किया है उसका ऑर्डर, उसका प्लेस कहाँ है, प्लेसमेंट किधर है। मतलब ये आपको ब्राउन ऑब्जेक्ट अगर आपको सर्च करना है यहाँ पे, तो आपको ईजिली आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको मिल जाएगा। सिमिलरली मैं रेड वाले पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि रेड वाले पे आप ये लोकेट करके इसको बता दे रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जब आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको वहाँ पे वो हाईलाइट करके बता देगा कि किस जगह है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर जैसे ये लेयर वन है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम लेयर वन ही है, हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करिए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेप्स, ठीक है, ऐसे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे अगर, तो आपको एक छोटा सा विंडो पैनल ओपन करके दे देगा। आप यहाँ पे नेम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे मैंने भी चेंज किया। अच्छा, ये कलर लाइट ब्लू जो दे रहा है ये क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे कई सारे ये कलर्स हैं। पहले हम समझ लेते हैं ये ब्लू कलर है क्या। तो अभी आप देखेंगे जब मैं इसको कैंसिल किया, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ या किसी को भी, आप इसको देखेंगे कि जो मेरा बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है वो सबसे पहले वाले सिलेक्शन टू क्लास में मैंने बताया है, तो आप उसको पहली वाली क्लास ज़रूर देख लीजिए ताकि आसानी रहेगी। और ये जो हमारा बाउंडिंग बॉक्स है वो ब्लू कलर का आ रहा है जो आउटलाइन है, ठीक है, सब में। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपकी आ रही है पतली सी, ये ब्लू कलर की है। तो ये आपको ये बताती है कि हर ऑब्जेक्ट्स का जो इस लेयर में है, शेप्स लेयर में, उसका बाउंडिंग कलर हमारा जो है ब्लू है, ठीक है। आप इस बाउंडिंग कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब डबल क्लिक करेंगे और आप इसको क्लिक करके, सपोज़ मैंने इसको कर दिया ग्रीन, ग्रीन करके ओके कर दिया, तो अभी आप देखेंगे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको सिर्फ ग्रीन कलर के ही बाउंडिंग कलर, बाउंडिंग बॉक्स दिखते हैं। अच्छा, इसका यूज़ क्या हुआ, हमने कलर चेंज किया, यूज़ क्या हुआ, यूज़ इसका ये है कि अगर आप बाद में जब कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, सपोज़ अगर आपका ये रेड है और रेड पे ही आपको कोई चीज़ काम करनी है, सपोज़ मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया इसको और यहाँ से मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ या फिर कुछ ऐसे करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको वापस रेड रख देता हूँ, सपोज़ ये मेरा ब्रिक रेड हो जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको थोड़ा मुश्किल होगा वो लाइन देखने में, वो लाइन पहचानने में कि जो इसके साथ है। सपोज़ मैंने एंकर ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पर क्लिक किया, तो आपको थोड़ी मुश्किल आएगी कि इस एंकर का पॉइंट है तो इसका पाथ किधर गया है, ठीक है। तो इसलिए हम कलर को थोड़ा डिफरेंट रखते हैं जब हमारा, जब हमारी कॉम्प्लेक्स शेप्स रहती हैं, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं वापस इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, मतलब जो पहले था ब्लू कर देता हूँ, ओके। अभी हमारे पास ये तीनों आ गए। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। लेयर्स पैनल को बाहर ही कर लेते हैं, ओके, ये ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा विजिबल रहेगा। तो यहाँ पे अब जब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस जाएंगे, आप देखेंगे न्यू लेयर, न्यू लेयर, सिमिलरली आप इस पर क्लिक करेंगे आपको लेयर टू बना के दे देगा, आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू लेयर भी दिखता है और एक न्यू सब लेयर भी है। सब लेयर क्या होता है, सब लेयर होता है जो लेयर के अंदर आपको छोटे और भी छोटे लेयर्स आपको बना के दे देता है, उनको कहते हैं सब लेयर। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ शेप्स है, शेप्स के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे न्यू सब लेयर, तो ये सब लेयर बना के दे देता है। लेयर थ्री है, लेयर थ्री को ओके करता हूँ मैं, तो आप ये देखेंगे कि शेप्स के अंदर ये लेयर थ्री बना दिया। सिमिलरली ये जो मेरे रेक्टेंगल थे ये तीनों, ये भी सब लेयर हैं इस लेयर के, शेप्स के, ठीक है। इसी तरीके से ये लेयर थ्री एक सब लेयर बना के ये दे दिया है। अब मैं वापस इस पर जब क्लिक करता हूँ दोबारा, आप ये देखेंगे कि इस पर है डुप्लीकेट शेप्स। अब मैं इस लेयर को चाहता हूँ कि इसको सिमिलरली इसके अंदर जितने कंटेंट्स हैं उसको मैं वापस डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स को। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। आप देखेंगे कि सेम कॉपी यहाँ पे बन गई है, ठीक है, इजी है काफ़ी। दोबारा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और वापस देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, डिलीट शेप्स कर देंगे अगर यहाँ पे, तो ये आपको डिलीट करके दे देगा, ये पूछेगा आपसे और ये डिलीट कर देगा। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया और आप जाएंगे वापस यहाँ पे ऑप्शंस फॉर लेयर टू बता रहा है, ठीक है, मतलब मैंने अगर शेप्स पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन फॉर शेप्स बताएगा और आपको वही चीज़ ओपन करके दे देगा जो मैंने अभी दिखाया था। नेम चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे, कलर चेंज कर सकते हैं बाउंडिंग बॉक्स का, ओके।
ऑल राइट, हमारे पास ऑप्शंस और क्या हैं? एंटर आइसोलेशन मोड है। एंटर आइसोलेशन मोड क्या होता है ये देख लेते हैं। आइसोलेशन मोड ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम अलग से रखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अलग से वर्क करना चाहते हैं, उसको फोकस करना चाहते हैं, तो उस पर हम कैसे कर सकते हैं। तो आप सपोज़ मैं ये ब्राउन वाले पे फोकस करना चाहता हूँ, सिर्फ इसी पे वर्क करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे बाकी के जो रेक्टेंगल्स हैं वो ब्लर्ड हो गए हैं, वो ओके थोड़े से धुंधले हो गए हैं, पर ये हमारा जो ब्राउन वाला बॉक्स है वो फोकस में आ गया। और ऊपर आप ये ब्लू कलर की लाइन देखेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये आइसोलेशन मोड में है। और आप इस पर सिमिलरली सपोज़ मैं इसको जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कोई भी चीज़ चेंज करनी हो, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बिना इन बाकी दोनों रेक्टेंगल्स को छुए हुए, उनको टच नहीं कर रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और यहाँ से आके मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है आइसोलेशन मोड। ये ब्राउन जो है ऑब्जेक्ट हमारा आइसोलेटेड हो गया है, अलग से आइसोलेशन मोड में हम इसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया है, और वापस आने के लिए मेन आइसोलेशन मोड से बाहर आने के लिए कहीं भी आप वाइट एरिया में कहीं भी आप बाहर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो वापस आप उसी मोड में आ जाएंगे, नॉर्मल मोड में। ठीक है, आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे और आपको सारी लेयर्स दिख जाएंगी। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। फ्लैटन आर्टवर्क, फ्लैटन आर्टवर्क ये करता है कि अगर आपके पास कई सारी लेयर्स हैं, सपोज़ अभी मेरे पास सिर्फ दो ही लेयर्स हैं, लेयर टू और शेप्स, अगर कई लेयर्स हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि सब जितने भी लेयर्स हैं उसके अंदर की जितने भी सब लेयर्स हैं वो सारे एक लेयर में आ जाए, सिर्फ हमारा यहाँ पे एक लेयर रहे और बाकी सारे उसमें कोई भी मतलब सब लेयर्स जितने भी रहेंगे वो बाकी सारे लेयर्स के रहेंगे। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर मैं सपोज़ लेयर टू में मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक सर्कल, ठीक है, मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, इसका कलर सपोज़ मैं येलो रख देता हूँ। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक ना सेलेक्ट हुआ रहे, स्ट्रोक को मैं नन कर रहा हूँ, फिल में मैं यहाँ पे येलो फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये मेरा लेयर टू में एक एलिप्स बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों लेयर्स को, लेयर टू और शेप्स को, दोनों को मर्ज कर दूँ या फिर दोनों को मिला के इनके अंदर जितने सब लेयर्स हैं वो सब लेयर्स को एक लेयर के अंदर ला दूँ। ठीक है, तो कैसे होगा? सिंपली आप यहाँ पे जाइए लेयर टू पे या किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप कर देंगे ऐसे फ्लैटन आर्टवर्क। आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ हमारे पास शेप्स लेयर है, उसके अंदर एलिप्स भी आ गया है। ठीक है, तो अब आपके पास ये पूरे चारों ऑब्जेक्ट्स एक लेयर के अंदर आ गए हैं। ठीक है, आई गेस आप लोग को ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्या है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ शेप्स पे और यहाँ पे देखते हैं कलेक्ट इन न्यू लेयर, कलेक्ट इन न्यू लेयर ये है कि आपको ये जो सब लेयर है एक नए लेयर के अंदर आपको कलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल पे क्लिक किया और मैंने इस पे क्लिक किया कलेक्ट इन न्यू लेयर, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है रेड वाला एक नए लेयर के अंदर आ गया है, जो कि एक्चुअल में तो सब लेयर है बट वो एक नए लेयर के अंदर आ चुका है। तो ये कलेक्ट करके जो सब लेयर्स होते हैं उसको इंटरनली वो रख देता है। आई थिंक ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग को समझ में आ रही होगी चीज़ें। अच्छा, अभी ये इसमें क्या है कि रिलीज टू लेयर्स और रिलीज टू लेयर्स बिल्ड क्या है, ठीक है, ये समझ लेते हैं हम। तो अगर मैं इस पे शेप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, ठीक है, इसको क्लिक किया, आप देखेंगे कि ये जो मेरे जो पहले मेरे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, ये रेक्टेंगल था ब्लू और ये एक नए लेयर के अंदर आ गया है। ठीक है, और हर लेयर के अंदर आप एक एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे लेयर सिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है रेड कलर का, उसी तरीके से लेयर सेवन में एक ब्लू रेक्टेंगल है जो पहले था। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एक ऑर्डर में चलता है, मतलब कि आपको हर लेयर में एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, एक लेयर में एक ऑब्जेक्ट। अब अगर हम देख लेते हैं रिलीज टू बिल्ड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वापस इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ ये वापस आ गए। अब मैं इस पर जाके मैं रिलीज टू लेयर्स बिल्ड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब आप देखेंगे कि जब लेयर सेवन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक रेक्टेंगल है जो कि ब्राउन है, करेक्ट है। उसके बाद मैं लेयर सिक्स पे देखता हूँ तो आपको दिखेगा एक ऑब्जेक्ट की जगह दो है, मतलब ब्राउन रेक्टेंगल भी है हमारे पास प्लस एक ब्लू रेक्टेंगल भी इन्वॉल्व हो गया है।
उसके अलावा लेयर 5 में जाएंगे तो आपको तीन ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, तीन ऑब्जेक्ट्स मतलब ये दो प्लस एक नया रेड कलर। सिमिलरली इसमें भी है चार ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये बिल्ड मतलब ये क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट्स को लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद दूसरे लेयर में जो है उस ऑब्जेक्ट को रखेगा, प्लस जो नया वाला ऑब्जेक्ट है उसको भी रख लेगा। तो इसी तरीके से वो एक एक ऑब्जेक्ट को रख के वो बिल्ड करता जाता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंस रिलीज टू सीक्वेंस और रिलीज टू लेयर्स में क्या जो है डिफरेंस है। मैं वापस इसको कंट्रोल जेड कर दिया। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सबसे रेक्टेंगल लेयर 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि अच्छा, डिलीट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ मुझे लेयर 3 डिलीट करना है जो एक्चुअल में सब लेयर है, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मेरा डिलीट का ये बटन जो है आइकन, यहाँ पे जाकर मैं रिलीज़ कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि लेयर 3 हट गया, ठीक है। तो डिलीट आप ऐसे कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है मेरा, रेड कलर का रेक्टेंगल है, वो मेरा सबसे नीचे आ जाए, ब्लू बीच में ही रहे और ब्राउन वाला सबसे ऊपर आ जाए। मतलब मुझे एक्चुअल में जो है ऑर्डर इसको रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे, शिफ्ट करके तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट दबा के, और यहाँ पर आप जाएंगे ऑप्शंस में और यहाँ पर कर देंगे रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो आप अब देखेंगे कि जो मेरा रेड वाला था रेक्टेंगल सबसे नीचे आ गया है और ये जो है ब्राउन वाला सबसे ऊपर आ गया है। तो आप इसमें ऑर्डर भी सबसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पे जो अगला है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, तो टेम्पलेट के लिए हम एक इमेज का यूज़ करेंगे, फिर आपको समझाते हैं टेम्पलेट क्या होता है। एक्चुअल में ओवरव्यू आपको देता हूँ। सपोज़ हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी हमारे पास सपोज़ पिक्चर है, उस पिक्चर को हमको आउटलाइन उसको ड्रॉ करना है, उसको ट्रेस करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे ईजी मेथड होता है टेम्पलेट बना लेना। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, मैंने जैसे पहले बताया था इसको आपको ये एक्चुअल में यहाँ पेस्ट तो हो गया है बट ये हमारे आर्ट बोर्ड में एम्बेड नहीं हुआ है। तो हम मुझे एम्बेड करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे एम्बेड और ये ब्लू कलर की लाइन हट जाएगी, ठीक है, ये हट गई। अब मुझे ये करना है कि मुझे सपोज़ इस ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना है, लाइक ये वाला जो क्लाउड है मेरा इसको ट्रेस करना है, ये वाली बिल्डिंग को भी ट्रेस करना है। तो वो कैसे होगा, वो इमेज है, ओके, तो इमेज है, इसमें हम एक काम करते हैं, इसको हम वापस एक न्यू लेयर में ले लेते हैं। पहले इनको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ऐसे एक न्यू लेयर बनाता हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर रख लेते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये पेस्ट हो गया हमारा न्यू लेयर, लेयर 3 में। इसको मैं एम्बेड कर लेता हूँ, ठीक है, एम्बेड हो गया। अब अगर मुझे ये ट्रेस करना है तो अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ बनाऊँगा, ठीक है, तो वो इसको कवर अप कर लेगी, राइट, देखिए कवर अप कर लेगी, तो मुझे पता नहीं चलेगा किस तरीके से इसको ट्रेस करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पे जाके यहाँ पे इस लेयर 3 को, जो कि मेरा ये इमेज वाला है लेयर, इस पे जाके टेम्पलेट क्लिक कर दूँगा, ठीक है। आप देखेंगे इसमें डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ये है कि लेयर 3 मेरा लॉक हो गया, प्लस ये जो मेरा बटन है, जो आई बटन होता है, आई बटन में आपको शायद आप समझ रहे होंगे कि आई बटन ये होता है, लेयर 2 पे अगर मैंने क्लिक किया तो आप देखिए जो लेयर 2 में ये एलिप्स था वो बंद हो जा रहा है, ठीक है, मतलब आई मतलब क्लोज हो जा रही है, विजिबल और नॉट विजिबल होता है ये। सिमिलरली हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मैंने लेयर 2 को लॉक किया जिसमें एलिप्स था, तो यहाँ पे आप कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये लॉक हो गया सिंपली। तो ये काम होता है आई और लॉक का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात कर रहा था लेयर 3 की, तो टेम्पलेट आपने जैसे क्लिक किया तो आपको ये शेप मिल जाएगा, जो आइज था वो रेक्टेंगल हो गया और ये लॉक हो गया। तो आपको प्लस इसके ऊपर ये चीज़ है कि इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है, मतलब आपको ये थोड़ा सा लाइटन दिख रहा है, ठीक है, और आपको ये लॉक करके इसलिए दे देता है कि अब इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रेडी है ट्रेस करने के लिए या इसके ऊपर कोई भी चीज़ वर्क करने के लिए। तो अब आप सपोज़ कोई भी लेयर लेते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज़ क्लिक किया ये लेयर 4, न्यू लेयर क्रिएट किया और इस पर मैं चाहता हूँ कि अपने ब्रश से, ये मैंने ब्रश ले लिया, ओके, डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, और ब्रश से मैं इसको ट्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको आसानी से ट्रेस कर पाऊँगा, देखिए अभी कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे मेरा पीछे वाला भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है और कोई भी चीज़ हम मैं इसको आसानी से इसको ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये सिंपलिसिटी अभी मैं सिंपली आपको ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो इसको आप अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ईजिली इसको टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ हम ट्रेस कर सकते हैं।
अच्छा वापस इसको हम कैसे लाएंगे, तो आप सिंपली जाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट हटा देंगे, ये वापस उसी अपने ऑब्जेक्ट में शेप में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसमें, और अब देख लेते हैं टेम्पलेट हटा देते हैं और आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ है। शो ऑल लेयर्स, ठीक है। अच्छा अभी आप देखेंगे कि ये विजिबल नहीं है, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे विजिबल है विजिबल नहीं है, मैंने आई को बंद कर दिया है, ये अभी एलिप्स मेरा विजिबल नहीं है। तो अगर आप इस पर लेयर थ्री पे इसको भी सपोज मैंने शेप्स को भी विजिबल नहीं किया, इसको भी हटा दिया, अभी सिर्फ मेरा लेयर थ्री विजिबल है क्योंकि यहाँ पर आई बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि बाकी के लेयर्स लेयर टू और शेप्स भी विजिबल हो जाएँ, तो मैं लेयर थ्री पर जाके यहाँ पर सिंपली जाऊँगा और यहाँ पर शो ऑल लेयर्स कर दूँगा, तो ये शो ऑल लेयर्स मतलब बाकी के दोनों लेयर्स को भी शो कर देगा, ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। और उसके बाद अगर आप हाइड अदर्स करेंगे तो ये हाइड भी कर देगा, मतलब लेयर थ्री को छोड़ के बाकी दोनों को हाइड कर देगा, ये विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। ओके अभी और क्या चीज़ है मेरा आउटलाइन अदर्स, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन होता है कि आपने जैसे ये कलर ये ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको फिल दिख रहा है, ठीक है रेक्टेंगल दिख रहा है, बट मुझे सिर्फ इसका स्केलेटन एक आउटलाइन चाहिए, अगर वैसा चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप सपोज मैंने शेप्स किया, शेप्स पे क्लिक किया और इस पर मैं आउटलाइन अदर्स करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने शेप्स पे क्लिक किया आउटलाइन अदर, तो शेप्स को छोड़ के बाकी के हमें मुझे आउटलाइंस दिखेंगे। देखिए शेप्स वाले में शेप्स वाली लेयर ये थी, इसको छोड़ के बाकी के मुझे आउटलाइंस मोड में दिख रहे हैं, मतलब लेयर टू और लेयर थ्री, ठीक है। और वापस मैं अगर जाऊंगा यहाँ पे और प्रीव्यू ऑल लेयर्स कर दूंगा तो मैं वापस देख सकता हूँ। अच्छा एक शॉर्टकट ये है कि अगर आप सारों को ही सारे लेयर जितने भी मेरे आर्टबोर्ड में सबका आउटलाइन चाहिए तो कंट्रोल वाई आप करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको आउटलाइन मोड में दिख जाएंगे। अच्छा वापस कैसे आएंगे आउटलाइन मोड से बाहर, वापस आप कंट्रोल वाई प्रेस करिए, आप वापस से अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ है, लॉक अदर्स, अगर मैं यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉक अदर्स, तो आपको शेप्स वाली लेयर छोड़ के बाकी के दोनों लेयर्स लॉक हो जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप लॉक यहाँ पे सपोज मैंने हटा दिया है क्लिक करके, आप सिंपली अगर सबको लॉक करना चाहते हैं आप क्लिक करिए यहाँ पे एक और ड्रैग कर दीजिए नीचे, ठीक है, तो आपको सिंपली एक एक करके क्लिक करना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इसको क्लिक करिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये काम इसमें भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये काफ़ी छोटी चीज़ है बट आप लोगों को हेल्प देगी जब आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने लगोगे। ओके अच्छा आगे चीज़ें देख लेते हैं, पैनल ऑप्शंस क्या है हमारा, पैनल ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देता है ये जो मेरा आइकन दिख रहा है लेयर थ्री फिर इसका लेयर टू येलो कलर, फिर ये काफ़ी छोटे दिख रहे हैं मुझे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप इसको बड़ा कर सकते हैं, लार्ज करेंगे ओके करेंगे, आपको देखिए लार्ज हो गया ये, ठीक है। जनरली मैं इसको मीडियम ही रखता हूँ, तो आप इसको मीडियम भी रख सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए, मैं मीडियम कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्लिपिंग मार्क्स, इस क्लिपिंग मास्क क्या होता है, ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क के लिए मैं आपको एक चीज़ बना के ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ जो हमारे इस क्लास का एक बढ़िया सा ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है। मैं इसको लॉक हटाता हूँ और सबको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। अच्छा मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मैं इसको डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ओके स्ट्रोक नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है, या भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट फिल है मेरा कुछ दिखेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपना पॉलीगॉन लेता हूँ यहाँ से कोई भी, एक पॉलीगॉन ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। मैं इसको स्पेस दबा के ऊपर कर सकता हूँ, हैंड आ जाएगा आपका, स्पेस बार आप दबाएँगे और माउस से मैंने इसको क्लिक करके ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पे मैं बताया था कैसे आपको रेक्टेंगल चाहिए और ट्रायंगल चाहिए, आप यहाँ पे जाके जब भी आप क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहे अपवर्ड एरो दबाइए या नीचे वाली एरो दबाइए, देखिए आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक में मेरा क्या प्रेस हो रहा है, तो आपके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ सकते हैं कम हो सकते हैं, इसी तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे ले लिया। अच्छा अब ये ट्रायंगल जो है मेरे पास, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ओके, और इसको मिनिमम बीच में लाते हैं सेंटर में, और इसको एल्ट के साथ मैंने बड़ा कर लिया, ओके ओके ठीक है। अब मैं इस पर एक फिल कर लेता हूँ डार्क, थोड़ा सा डार्क फिल कर लेते हैं, ओके। अब मैं इसका सिमिलरली एक कॉपी और लेता हूँ एल्ट लेके, और इसको मैं छोटा करता हूँ,
ज़्यादा छोटा नहीं, इतना छोटा कर लेते हैं, और इस वाले को थोड़ा सा इधर कर लेंगे। ओके, और इसे हम साइड से थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। ओके, ठीक है, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और बनाएंगे यहाँ पे, और वो इन सब से छोटा रहेगा। ठीक है, हाइट में भी, लेंथ में भी, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये इसको थोड़ा सा मैं हल्का करता हूँ और इसको उससे भी लाइट कर देता हूँ। ओके, सब में से मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ, और मुझे यहाँ पे एक सर्कल चाहिए। एल प्रेस किया मैंने शॉर्टकट, और यहाँ पे, अच्छा, आपको अगर यहाँ पे चाहिए पहले डिसलेक्ट कर लीजिए, सर्कल लीजिए, और यहाँ पे एंकर पे जाके एल्ट और शिफ्ट दबाइए, आपको वहीं से ओरिजिनेट हो जाएगा एक एलिप्स। ठीक है, अच्छा, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर मैं इसका रख देता हूँ ब्राइट रेड, और इसको मैं बैक करता हूँ, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट। ठीक है, लेफ्ट वाला, इस तरीके से ये पीछे हो गया। अच्छा, ठीक है, मेरे पास एक माउंटेन, एक सीनरी बन के आ रही है अच्छी सी। अच्छा, मैं उसमें मुझे क्या दिखाना था, क्या मकसद था, क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अच्छा, क्लिपिंग मास्क, मास्किंग की आपकी, आपको क्लास हम, मैं बाद में बताऊंगा, बहुत काफ़ी डिटेल क्लास में बताऊंगा, बस आज के लिए, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मास्क, ये जो क्लिपिंग मास्क है, ठीक है, मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क, मास्क क्या करता है कि किसी भी पार्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन में आए आप, एक मास्क, एक पार्ट आपको कट करके दे देगा। ठीक है, तो मैं इसमें इस ड्राइंग से यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको सपोज़ चाहिए छोटा सा एक पार्ट यहाँ का कट करके दे देता, बाकी से मुझे मैटर नहीं करता, तो आप सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। मैं इसका कलर चूज़ कर लेता हूँ, सपोज़ ये कर लेता हूँ पर्पल, और यहाँ पे मैं जाके एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे गया और इस पर मैं कर दूँगा क्लिपिंग मास्क। आप ये देखिए काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। चेंज ये हुआ कि जो मैंने पर्पल कलर का रेक्टेंगल बनाया था, उसी शेप में मुझे इसने मेरी पीछे वाली डिज़ाइन जो सीनरी है उसको कटआउट करके दे दिया है। ठीक है, और इसमें एक अच्छी चीज़ और क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि आप इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को हिला डुला सकते हैं, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके, और दूसरी चीज़ ये है, जब आप शेप्स को जब एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये रेक्टेंगल में एक अंडरलाइन हुआ है। ये रेक्टेंगल हमें ये बताता है कि ये जो शेप हमारा बना हुआ है, ठीक है, ये शेप, ये रेक्टेंगल शेप का है, और वाकई में हमारा जो ये ओरिजिनल हमने जो पर्पल रेक्टेंगल बनाया था वो है ये रेक्टेंगल, वो एक्चुअली एक मास्क होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि जो मास्क होता है उसके, उस पर ये अंडरलाइन करके हमें बता देता है, ताकि हमें पता चले कि किस चीज़ से ये मास्क हुआ है, किसके ऑब्जेक्ट, किसका शेप लिया है इसने। ठीक है, अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि इसको दोबारा हम अपना रिलीज़ कर दें मास्क, दोबारा हम अपने नॉर्मल उसमें आ जाएं, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं ये करूँगा रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। जब मैंने क्लिक किया, जैसे ही आपको उस ऑब्जेक्ट्स को अपने उस तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारा पर्पल वाला रेक्टेंगल गायब हो गया। तो आपको ये आपको जानना होगा कि जब भी हम मास्क करते हैं कोई चीज़ को, तो वहाँ पे वो मास्क जो ऑब्जेक्ट होता है वो गायब हो जाता है, उसको हमें वापस जो है फिल करना होता है। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि जो हमारा रेक्टेंगल था उसको मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, यहाँ प्रेजेंट है, बस उसके अंदर फिल और स्ट्रोक नहीं है, तो हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ जाके वापस वो फिल कर लेंगे और हम वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लिपिंग मास्क समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्या चीज़ अच्छी लगी है। मुझे ये भी बताइए आप लोगों को जो डाउट्स हुए इसमें, क्या चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी चीज़ मुझे बताइए, मुझे जानकर खुशी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए डिज़ाइन बनाओ के बारे में, और अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो लेके मैं जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।